अब हनुमान जी को भर दंडवत करो, उठ बैठो। कहाँ से आए हो? नजफगढ़ दिल्ली से। लाओ 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 लाओ, पहनने हैं हमें, राम लिखा है तो हम बांध लेते हैं, राम ही लिखा है। लो भैया, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो परम पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय गौ माता की। सीताराम, बोलो क्या समाधान चाहते हो? गुरुजी मेरी माँ बीमार रहती है जी, आपने झाड़ा भी लगाया था अभी जी, कब धाम पे अभी? अच्छा धाम गए थे पिछले महीने, ठीक। और गुरुजी मेरी नौकरी में कहीं भी नहीं हो रहा काम, मैं बहुत। ये विषय आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी, ठीक। हमको तो नहीं बताया? नहीं गुरुजी, ठीक। नौकरी में क्या पाना चाहते हो? गुरुजी मैं बहुत तैयारी की, पहले आर्मी की, कुछ भी। ठीक, हमने ऐसा लिखा, मन स्थिरता नहीं है तुम्हारी, पेट में भी पीड़ा बनी रहती है, सावधान रहें, माँ स्वस्थ होगी, पूरे शरीर की जकड़न उनकी ठीक होगी। नौकरी की कामना लेकर के आप आए हैं, राष्ट्र सेवा करेंगे। वर्तमान में आयु फैक्ट की दिक्कत बन रही है, वर्तमान में आयु फैक्ट की दिक्कत बन रही है, लेकिन राष्ट्र सेवा 100% योग है, और हनुमान जी ने चाहा तो 25 तक तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। दो, माँ को पूरे शरीर में दिक्कत आई है, उनको नसों की दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा जकड़न है, उठने बैठने में भी उनको समस्या है, कमर की भी पीड़ा है, नस का दबाव बन गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन स्थिति बन रही है, लेकिन जाओ गांठों की यह पीड़ा 5 झाड़ा के मंत्र प्रभाव से आराम लग जाएगा। हम सेना भेजते हैं, आप विधि करो और आप तैयारी करो, आप राष्ट्र सेवा करोगे, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, जाओ आशीर्वाद है। साधु जी, सीताराम, गुरुजी मेरे माता पिता हमेशा स्वस्थ, पूरे परिवार पे कृपा। आना पड़ेगा उनको भगवान, एक बार आप उनको धाम पे भेज दो। अरे वाह, आप आ जाना हम उपाय करें ना, कोई भी ऊपरी बाधा तंत्र बाधा विद्या नहीं है, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ो, नाम जप करो, और पितरों का भी कोई कारण नहीं, अगर होता तो हम आपको विधि करवाते, आप भजन करो और पेशी करो, हम आपको कवच देंगे, आप अपनी लगनता पर फोकस करो। हनुमान जी की तो सिर्फ आशीर्वाद काम करना है, बाकी आपकी मेहनत काम करनी है, लेकिन आप सफल होगे, आपके भाग्य में ऐसा चंद्रमा है, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, अब 6 से 7 माह शुरू कर दो, आगे बढ़ जाओ। हाँ, उस बच्ची को भेज देना जो आगे खड़ी हुई बच्ची, जो हाथ जोड़े है तीसरे वाली डी में। हाँ, पुलिस वाले भाई साहब जो लाल दुपट्टा बिटिया डाले हैं उसी को भेज दो। जी जी, भेज दीजिए उनको। जी बहना, हाँ पुलिस प्रशासन, हमें जो सूचना मिली पुलिस प्रशासन के साथ, कोई भी डी में आने के लिए धक्का मुक्की ना करें, उनकी जो सेवा है उस सेवा में सहयोग करें, और हम साधुवाद देते हैं दिल्ली पुलिस को, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई ताकि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। एक बार करतल ध्वनि से इनको धन्यवाद जरूर दीजिए आप लोग, यहाँ के कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, मीना जी बहुत अच्छे हैं, और सभी पूरी अधिकारी बहुत प्यारे हैं और अद्भुत व्यवस्था की। और सच बताएं, दिल्ली की इतनी कथाओं में पहली बार इतने व्यवस्थित रूप से प्रशासन व्यवस्था हमने अपनी आंखों से देखी है।
एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। और हम अपने परिवारजन जो बागेश्वर धाम के शिष्याए हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे, कृपा करके आप इनकी मदद करें, ये हमारी तुम्हारी मदद के लिए ही लगे हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी को हानि ना पहुंचे, इसलिए इनकी आप लोग भी सहायता करें, इनकी बात को माने, सबको साधुवाद, जय श्री राम। चलो आप वहाँ पंडाल में बैठी थी, तीसरे पंडाल में मध्य में बैठी थी, अच्छा ठीक है, आपकी ही अर्जी है, फिर पहली बार आई हैं, अच्छा नजदीक आओ। कहाँ रहती हैं? ये दिल्ली में ही है, नहीं गुजरात वाला के दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, हाँ पूछो क्या समाधान, क्योंकि हमारे महाराज जी भी गुजरात के, क्या समाधान चाहती हैं बहना? हाँ मेरी बहना ठीक है, क्या हो गया भाई का, उल्टा सीधा बोलता है, कलेश हुआ है हमारे में तो ऐसा आया, हम परिचय है, आपका भाई रॉन्ग है, उल्टा चलता है, ऐसा पर्चा लिखा, घर में कलेश भयंकर बना हुआ है, उत्पात बहुत है, भाई के कारण उत्पात है, बुद्धि उसकी विचित्र है, विसंगति में फंसा है, गलत संगत में फंसा है, वह उसी कारण से माइक से बोलने योग्य नहीं है, जो वो काम करता है वो माइक से बोलने योग्य नहीं है, हम बिना माइक के आपको बोल देंगे वो क्या क्या काम करता है, और आप अगर माइक से सुनना चाहो तो हम माइक से भी बोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो उसकी बुद्धि विसंगति के कारण विचलित है, आपस में पत्नी से कलेश बन रहा है, कलेश बन रहा है, भयंकर उपद्रव मचा है, सुधर जाएगा, सतमार्ग पर चलेगा, बात नहीं मानता है, मरने मानने की भी धमकी दे देता है, जाओ वो सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। आरोप तो आप पे भी लगते हैं, अच्छा वो घर से, हमें छोड़ो आप हमें फोटो लेके आओ, ठीक चलो, कोई संदेह, बात पूरी समझ आई, बराबर लाओ बहन, जय श्री राम, बहुत सुंदर बनाई बहन, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।